इमामवाड़ा आइसोलेशन अस्पताल में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने वाला ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे अब ऑक्सीजन की कमी जल्द ही पूरी होगी, जिसका जायजा महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने लिया। इस समय महापौर बोले कि यहां 50 बेड को लगने वाली ऑक्सीजन की निर्मित होगी, जिससे यहाँ कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। इमामवाड़ा आइसोलेशन में 16 बेड वैक्सीनेशन सेंटर के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे। आवश्यकता को देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट कर 16 बेड को कोविड मरीजों के लिए दिया गया। शहर में कोविड मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन के कमी के चलते कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। इसी के मद्देनजर हवा से ऑक्सीजन तैयार करने वाला यूनिट आइसोलेशन हॉस्पिटल इमामवाड़ा में लगाना शुरू है, जिससे अब इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। 50 बेड को लगने वाले ऑक्सीजन की निर्मित यहाँ होगी, जिससे बहुत सी सुविधा कोविड मरीजों को मिलेगी। जैसे कि अभी आपने देखी कि यहाँ पे महापौर साहब का अभी यहाँ पे निरीक्षण दौरा हुआ है। पिछले 3-4 दिनों पहले अपन ने जो 16 बेड यहाँ पे जो शुरू नहीं मतलब रिक्त पड़े थे, उस बेड को शुरू करने के लिए अपने महापौर जी को निवेदन दिया था। और ठीक अपन ने देखे थे कि जो 16 बेड यहाँ शुरू थे, वो शुरू बेड में ऑक्सीजन की जो कमी थी, उस कमी को पूरी करने के लिए भी अपन ने महापौर जी को निवेदन सौंपा था। उस निवेदन पे तुरंत एक्शन लेते हुए माननीय दयाशंकर जी तिवारी जो अपने महापौर है, उन्होंने 16 बेड को भी शुरू तो साथ में कराया। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की कमी थी, वो ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये ऑक्सीजन प्लांट रखा है। ये आइसोलेशन हॉस्पिटल में प्लांट की जो स्थापना यहाँ पे हो रही है, इस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से जो 32 बेड यहाँ पर है जो शुरू कोविड के लिए शुरू किए गए हैं, इसमें होने वाली जो ऑक्सीजन की कमी थी, इस कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ पे इंस्टॉलेशन यहाँ शुरू है। पिछले दो दिन बाद ठीक ये इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पे पूरा होगा और जो 32 बेड यहाँ जो कोविड के है, उस रुग्णों को जितने भी पेशेंट यहाँ एडमिट है, उस पेशेंट को जो लगने वाला ऑक्सीजन है, इस ये ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से उनको निरंतर ऑक्सीजन मिलता रहेगा और जो कमी थी वो कमी यहाँ से दूर होंगी। इसके लिए हम महापौर दयाशंकर जी तिवारी, इनका प्रभाग क्रमांक 17 की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरा, जो BCN ने हमको मदद किया 2-3 दिन लगातार, और BCN के माध्यम से जो ये न्यूज़ जगह जगह उच्च अधिकारी तक गई और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेके ये काम सुचारू रूप से हो पाया, उसके लिए BCN का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस प्लांट से कोरोना मरीजों को काफी हद तक मदद मिलेगी और कोरोना काल में ऑक्सीजन बेड की कमी को देखते हुए काफी हद तक ऑक्सीजन बेड की समस्या हल होगी। मैं पिछले समय यहाँ आया था तो यहाँ 16 बेड जो है वो ऑब्जर्वेशन सेंटर के रूप में वैक्सीनेशन सेंटर के वापरे जा रहे थे। आवश्यकता को देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और वो 16 बेड को पब्लिक के लिए ओपन किया गया। ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए ऑक्सीजन की पूर्तता की गई। पिछले 4-5 दिनों में पूरे शहर में ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची हुई है और बहुत बड़ी कमी है। यह सोचते हुए ऐसा निर्णय लिया गया कि महानगर पालिका का पाचपौली का हमारा 110 बेड का हॉस्पिटल डॉक्टर और नर्सेस के साथ बन के तैयार है, KT नगर का तैयार है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण, सिलेंडर की कमी के कारण हम लोग उसे चालू नहीं कर पा रहे थे। मन में एक विचार आया कि कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए और ऐसी जानकारी मिली कि MIDC में एक 13 KL का प्लांट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आकर के पड़ा हुआ है, जो अभी शुरुआत होने का है, कमिश्निंग होने की है। माननीय निगम आयुक्त के माध्यम से जिलाधिकारी से बात करके MIDC से उस प्लांट को हमने यहाँ, अभी जब तक कोविड की स्थिति है तब तक हम लोगों ने लीज़ पर लिया है। यह प्लांट हमारे यहाँ आज इंस्टॉल होने के लिए यहाँ पहुँचा है, उसी को देखने के लिए मैं यहाँ आया था। ये 13 KL का प्लांट यहाँ जब कमिश्निंग हो जाएगा, करीब करीब 50 बेड को लगने वाली ऑक्सीजन की निर्मित इस प्लांट के माध्यम से होगी, और 50 बेड को लगने वाले ऑक्सीजन की निर्मित यहाँ हो जाएगी तो हम और 15 बेड यहाँ बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ में यहाँ जो गैस सिलेंडर हमें लग रहे हैं, जो करीब करीब जंबो 35 से 40 सिलेंडर रोज़ यहाँ लगते हैं, ये सिलेंडर हम दूसरे हॉस्पिटल के उपयोग में ला सकेंगे करके। इसी प्रकार से हम लोग पाचपौली का हमारा जो सेंटर है, उस सेंटर में भी हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को गैसेस में कन्वर्ट करने का प्लांट लगा रहे हैं। वह भी हमारा 6 KL का प्लांट है, वो करीब करीब 125 के आसपास बेड में ऑक्सीजन पूर्ति कर सकेगा। इस प्रकार से पाचपौली भी हमारा सेल्फ सस्टेन हो जाएगा करके। ये दो जगह सेल्फ सस्टेन होने के बाद हम लोग IGR में भी एक 125 बेड के दृष्टि से, 110 बेड ऑक्सीजन की और 16 बेड ICU के इस दृष्टि से, एक हवा से ऑक्सीजन जनरेट करने वाले प्लांट के IGR में भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय नितिन जी गडकरी के माध्यम से हमें सहयोग मिल रहा है। इस प्रकार से हमारे 3 प्रमुख हॉस्पिटल को जब हम लोग पूर्ण रूप से ऑक्सीजन के दृष्टि से सेल्फ सस्टेन कर लेंगे, तो
तो यहाँ के सिलेंडर को बाकी जगह उपयोग में ला करके हम बाकी हॉस्पिटल को भी शुरू कर सकेंगे और ऑक्सीजन का जो त्रुटि हो रही है उसको पूर्ण करने में कहीं ना कहीं हमारे प्रयास सकारात्मक हो गया। बिल्कुल। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि महानगर पालिका के 110 बेड बन के तैयार और ऑक्सीजन नहीं, इसलिए हम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। तो जो हमारे पास मौजूद है उसकी ऑक्सीजन हो जाए, उसका मैन पावर हो जाए, बेड तो शहर में हम 10,000 लगा लें, लेकिन उसके लिए लगने वाले डॉक्टर को लाना, ये सबसे बड़ी मशक्क़त का काम है। उस दृष्टि से महानगर पालिका काम कर रही है। हमने पहले सोचा था कि हम एक साथ 500 बेड का इंडोर स्टेडियम में खोल लें, उसके बाद मस्तिष्क में आए कि एक साथ 500 बेड का खोलने की अपेक्षा 100-100 बेड के पांच जगह खोलेंगे तो मैन पावर भी कम लगेगा और कम पैसे में काम हो जाएगा करके। पैसा इमटेरियल है, कारण आज की स्थिति को देखते हुए पैसों को तरफ कोई ध्यान ना देते हुए सुविधा पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए 500 बेड हो जाए इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको श्री आयुर्वेद में 136 बेड मिल जाएगी, 100 बेड KDK कॉलेज में मिल जाएगी। इस दृष्टि से नागपुर शहर में महानगर पालिका के माध्यम से एडिशनल 500 बेड मिल जाएगी, चित्र आपको देखने को मिलेगा। वैक्सीन की कमी है, जिस प्रमाण में लोगों का उत्साह बढ़ा है उस प्रमाण में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन वैक्सीन की प्रतिपूर्ति समय रहते पूरी हो जाएगी, किसी प्रकार की निराशा की आवश्यकता नहीं है। इमामवाड़ा आइसोलेशन हॉस्पिटल को महापौर दयाशंकर तिवारी ने भेंट दी है और जायज़ा लिया है कि जो 16 यहाँ पे 32 बेड जो है कोविड के शुरू होने वाले थे और वो शुरू हो चुके हैं और जल्द ही यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति भी होने वाली है। ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ लाया गया है और जल्द ही यहाँ पे कोविड के जो मरीज़ है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उन्हें यहाँ पर सुविधा मिलेगी, ऐसा महापौर द्वारा बताया गया है। साथ ही सेंटर पे जो है वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है वैक्सीन की कमी के कारण, वो भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही वैक्सीन की आपूर्ति होती है जल्द ही यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू होगा, ऐसा भी बताया गया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।